पुलवामा हमले से ठीक पहले का एक एक्सक्लूसिव वीडियो मिला है। ये वीडियो पुलवामा आतंकी हमले का निशाना बनने वाली सीआरपीएफ की बस में बैठे एक जवान ने आतंकी हमले से ठीक पहले रिकॉर्ड किया था, अपनी पत्नी को फॉरवर्ड किया था, जिसे शहीद की पत्नी ने आज तक के साथ साझा किया है। इस वीडियो को बनाने वाले शहीद जवान सुखजिंदर पंजाब के तरन तारण के रहने वाले। देखिए, बस की तस्वीरें उन्होंने कैद की हैं, बाहर किस तरीके से बर्फ़ पड़ी हुई है वो तस्वीरें हैं, और ये सारा वीडियो बनाकर उन्होंने अपनी पत्नी को भेजा था। ये पूरा इलाका दरअसल इसी तरह का, ये पहाड़ी इलाका है। इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर सड़क किनारे आपको बर्फ नहीं दिखेगी, और इसीलिए इन तस्वीरों को देखकर सीधा अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये ठीक पहले की तस्वीर है। दूसरी तरफ जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, वो शहीद जवान के घर वालों की तस्वीरें हैं, जिनके पास अब सिर्फ यादें हैं, सिर्फ वो तस्वीरें ही रह गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्येंद्र चौहान इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, बहुत भावुक करने वाला ये वीडियो है, और ये बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी ने ये देखा भी नहीं था, इसे देखने से पहले उन्हें ब्लास्ट की खबर मिली। श्वेता, देखिए कि सरबजीत जो है इनकी पत्नी का नाम है, और शहीद सुखजिंदर हैं जो तरन तारण के रहने वाले हैं, और इन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके कहा था कि मैं छुट्टी पे आ रहा हूँ। तो इनकी पत्नी ने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप छुट्टी पे आ रहे हैं, तो उन्होंने एक वीडियो बनाकर अपनी पत्नी को जो है व्हाट्सएप किया था। लेकिन इस वीडियो के पहुँचने के एक घंटे बाद ही बड़ी ही दुख देने वाली जो है खबर सामने आई, और उस खबर में ये कहा गया था कि जो है पूरी की पूरी बस जो है धमाके में उड़ गई है, जिसमें शहीद सुखजिंदर सिंह भी मौजूद थे। और जैसे ही ये खबर मिली सरबजीत कौर को, तो वो बेहोश हो गई थी, और उसके बाद जो है पूरा परिवार उनको जो है डॉक्टरों की सेवा में और उसमें लगा रहा। और बाद में जब ये क्लियर हो गया कि सीआरपीएफ के कार्बाइन पे एक बड़ा हमला हुआ है, और जितने भी लोग थे वो इस बस के अंदर वो शहीद हो गए हैं, तो उन्होंने मोबाइल को देखा नहीं। लेकिन अब आज जब उन्होंने मोबाइल खोला तो उसके अंदर एक बड़ा सरप्राइज, कहीं ना कहीं एक आश्चर्य और एक रहस्य छुपा हुआ था कि सर सुखजिंदर ने एक जो है सरप्राइज अपनी पत्नी को भेजा था कि मैं घर पे आ रहा हूँ। और उन्होंने आने से पहले ठीक उसी बस के अंदर, जिस बस के अंदर ये धमाका हुआ था, आप देख सकते हैं इस बस के अंदर जो है पूरा स्टाफ दिखाई दे रहा है, और सुखजिंदर खुद इस वीडियो को बना रहे हैं। ये जो मूछों में आपको सामने नजर आ रहे हैं ये सुखजिंदर हैं, पगड़ी इन्होंने नहीं बांधी हुई है, और इसके अलावा इन्होंने पूरे स्टाफ को दिखाया है। और जैसे ही ये वीडियो आज घर से मिला तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं घर का जो माहौल है गमगीन हो गया। पूरे परिवार और जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनकी आंखें नम हो गई। आज तक पर हम एक्सक्लूसिव ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से सीआरपीएफ के जवान अपने घरों को निकले थे, और शायद ये सोच के निकले थे कि बर्फ के इस माहौल में हम मैदानी इलाकों में जाकर कुछ दिन अपने घरों में आराम करेंगे और उसके बाद वापस कश्मीर लौटेंगे। लेकिन जिस तरह के हालात पैदा हुए वो बड़े दुखदायी थे, बड़े हैरत करने वाले थे। और ये तस्वीरें हम आपको दोनों तरफ आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ सुखजिंदर का परिवार है तो दूसरी तरफ शहीद सुखजिंदर को हम लगातार टीवी पर दिखा रहे हैं, और जो अपने वीडियो से अपने कैमरे से वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो इन्होंने किसी को नहीं भेजा, अपनी पत्नी सरबजीत को भेजा उनको एक सरप्राइज देने के लिए कि मैं अपने घर पर आ रहा हूँ, लेकिन शायद वो अपने घर पर नहीं पहुँच पाए। श्वेता,